बासुड़ी ठीक है, थैंक यू भैया। इधर पता चल रहा है, आप बैठ ना। गणपति बप्पा मोरिया। अब मैं बप्पा को लेके आ गई हूँ, और लेके आ गई हूँ मतलब गाड़ी में, और यहाँ से मैं जा रही हूँ इनको लेके घर, और फिर घर पे इनको इनका वेलकम करूंगी। इनको वो कहते हैं विराजमान, वो जो भी कहते हैं, मुझे अभी वर्ड्स नहीं समझ में आ रहे, सीरियसली मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। और उसके बाद सब कुछ डेकोरेशन करना है, और कल से पूजा स्टार्ट करनी है हमें। लेकिन आज मैं जल्दी इसलिए आई क्योंकि पिछली बार मैं आई थी और मुझे 3 घंटे लग गए थे बप्पा को घर ले जाने में, सो इसलिए मैंने सोचा कि आज जल्दी जाती हूँ मैं। फिर भी जल्दी का मतलब 3:47 हो रहा है, आई मैं बिल्कुल भी भीड़ नहीं है, जो भी समझ में आया मुझे, भैया ये कम है वो ज्यादा है, तो वो सारी चीजें हो गई और बहुत आराम से मैं बप्पा को घर लेके जा रही हूँ। तो चलिए आप सब भी मेरे साथ घर। आप देख सकते हैं कि मैं सुबह की भोग की तैयारी कर रही हूँ, और भोग में मैं केसर वाली खीर बना रही हूँ क्योंकि बप्पा को खीर बहुत पसंद है, सो मैं उनके भोग के लिए खीर बना रही हूँ। और इसके बाद मैं बप्पा का श्रृंगार करूँगी, और बस आ गई मैं श्रृंगार करने के लिए। और मैंने कोशिश की है कि मंडप को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा खूबसूरत बनाऊँ, सजाऊँ, ताकि बप्पा को भी अच्छा लगे कि हाँ मतलब ऋषिका मुझे घर पे लेके आई है, तो बहुत अच्छे से स्वागत किया है, मंडप को अच्छे से सजाया है। सो मैंने कोशिश की है, और इसके बाद मैं बप्पा की पूजा करूँगी, और फिर बप्पा का जो चेहरा ढका हुआ है उसे हटाऊँगी और उनका खूबसूरत सा मुखरा आप सबको दिखाऊँगी। सो पूजा की तैयारी चल रही है, अभिषेक कर रही हूँ मैं, और जितना हद तक मुझे समझ आता है कि कैसे पूजा करना चाहिए वो मैंने श्रद्धा से किया है। और अब बप्पा का मुखरा देख सकते हैं, प्यारा सा चांद सा चेहरा देख सकते हैं, ये मेरे बप्पा का स्वरूप है, ये कृष्ण स्वरूप है, और बप्पा के हाथ में बांसुरी है, ये कृष्ण स्वरूप है। ऊपर भी मोर पंख लगा हुआ है, आप देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा सा स्वरूप है। वैसे हर एक स्वरूप प्यारा होता है, आपके मन को जो भी भा जाए वो स्वरूप सबसे प्यारा है। तो मैं जब गई थी बप्पा को लेने तो वहाँ पे बहुत सारे स्वरूप थे और मैं कंफ्यूज थी कि कौन सा लूँ, बट जैसे ही इन पे नज़र गई मेरी, मैंने कहा नहीं मुझे बप्पा ही चाहिए और यही वाले बप्पा चाहिए। सो आप देखिए और बताइए कि आपको बप्पा कैसे लगे। वैसे मुझे तो बहुत 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 प्यारे लगे, बहुत ही प्यारा स्वरूप है, हाथ में बांसुरी और एकदम वो नृत्य वाली मुद्रा में है। मैं कोशिश कर रही हूँ कि अच्छे से बोलूँ। और ये अखंड जोत है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि जब आप बप्पा को घर लेके आते हैं, जितने दिन के लिए लेके आए, मैं 1.5 दिन के लिए लेकर आई हूँ, तो ये अखंड जोत है। साथ में धूप जल रहा है जिससे घर एकदम शुद्ध होता रहता है और नेगेटिव एनर्जी नहीं रहती घर में, पूरा घर शुद्ध हो जाता है, सुगंधित हो जाता है। और साथ ही साथ बप्पा को मिठाइयाँ बहुत पसंद है, मोदक बहुत पसंद है, तो मैंने मोदक का भी भोग लगाया है। और जितने रिचुअल्स होते हैं पूजा के टाइम पे, जितना मुझे आता है और जो नहीं भी आता था वो मैं गूगल से चेक करके मम्मी से फ़ोन पे पूछ पूछ के कर रही थी, साथ में बप्पा का श्रृंगार भी कर रही थी मैं। और क्या बोलूँ मैं, और आगे आप देखते जाइए और आपको भी समझ में आएगा। और साथ ही साथ पप्पा से क्षमा भी मांग रही थी मैं कि अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और इसके बाद ये सारा रिचुअल्स करने के बाद हम सब मिलकर आरती करेंगे, और आप भी आरती गाइएगा हमारे साथ, बहुत अच्छा लगेगा।
गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महारे अब मैं शाम के भोग की तैयारी कर रही हूँ और शाम के भोग के लिए मैं हलवा बना रही हूँ। बप्पा को हलवा भी बहुत पसंद है तो मैं यही कोशिश कर रही हूँ कि बप्पा को जो भी भोग में पसंद हो मैं वही बना के उन्हें दूँ, उन्हें भोग लगाऊँ। सो या बप्पा की ज्योति से नूर मिलता है, सबके दिलों को सुरूर मिलता है और जो कोई भी आता है बप्पा के द्वार उसे कुछ ना कुछ जरूर मिलता है। गणपति बप्पा मोरिया। सो आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में और मैं हूं आप सबकी अपनी ऋषिका, आप जानते हैं मुझे। गणेश चतुर्थी है और पिछले साल की तरह मैं इस साल भी बप्पा को अपने घर पे लेके आई और अभी शाम की आरती करने वाली हूं मैं। सुबह की आरती हो चुकी है, उसके विजुअल्स लिए थे मैंने बट बहुत सारे लोग थे तो मैं बनाना भूल गई थी, बताना भूल गई थी कि हाँ आज बप्पा आए हैं, ऐसे ऐसे स्वरूप में आए हैं। तो आगे मैं क्या ही बोलूँ, बहुत खुशी इसलिए हो रही है, अभी ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि मैं एक साल बाद अपने डायरेक्टर से मिली, तांबे दादा, वो अपनी वाइफ और अपनी बेटी के साथ मेरे घर पे आए हैं। सो आई एम रियली 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 वेरी हैप्पी और आप देख सकते हैं उनको। ओह माय गॉड, वो मतलब ठीक है मैं नहीं बोलूंगी कुछ भी। जो इंसान मुझे डायरेक्शन देते हैं आज वो शाह है कैमरे के, क्या बात है। ओह ऐसे ही होता है, कैमरे के पीछे वाले लोग। अच्छा ये कैमरे के पीछे वाले लोग हैं जो कैमरे पे आने वाले लोग को बनाते हैं। हाँ जो कैमरे पे आने वाले लोग को बनाते हैं। सो बातें बाद में करेंगे, आरती का समय हो चुका है और अब बस चलते आरती करते हैं। बोलो गणपति बप्पा मोरिया। जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति, दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति, जय देव जय देव। और उसके बाद एक एक करके सबने बप्पा को आरती दिखाई, बहुत सुंदर सुंदर आरती गाई, जयकारे लगाए। हरे राम